वो अभी भी उसके लिए अभी भी तेरे को उसके लिए हकीम बनने का है, उसका दर्द कम करने का है, दवा पानी लगाने का है। ये तो वही वाली बात है, वही ना सैली, कि कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो। हाँ वो बनाना पड़ेगा सर, उसके लिए दिया जलाने। हाँ और वैसे काकू को ऐसे दर्द में देख कर मैं बैठी रहूँ तो उनमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? पर साइरी तू जानती हो, काकू ने जो किया जो कहा उसके बाद तुम ठीक है सर, किसी तरह से भी मदद, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से मदद करो या मदद करो, पर वो बहुत ही, तुम मानो या ना मानो, बहुत दर्द में है। और काका और आजी ने भी सिखाया है कि किसी भी इंसान के बुरे वक्त में उनकी मदद करनी ही चाहिए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और तुम तो, और वो तो तुम्हारी आई है, मेरी सासू भाई है, एक बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उनकी सारी तकलीफें कम करूँ, इसलिए मैं वो सब करूँगी जिनसे उनका दर्द कम। तुम जाओ जल्दी, आजी ने जो कुछ भी कहा ना वो कर रहा हूँ, चल जाओ। सही सुन रहे, ये गाँव है, गाँव नहीं है, शहर है। गाँव में तो घर घर के बाद नींदे झाड़ होते, पत्ता बिंदा तोड़ के हम लोग दवा बनाते। अब इधर में एक नीम आतों के बीच में किधर नीम का पत्ता मिलेगा, नीम का झाड़ किधर मिलेगा? आप किसी भी आयुर्वेदिक के दुकान में जाओ, उनके पास सारा सामान रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं उनके पास। नहीं मालूम है इधर आयुर्वेदिक दुकान की, और ये